अभी गंगा नदी के पुल पे है। गंगा नदी के पुल से होते हुए हम लोग अभी हरिद्वार के लिए भी जाएंगे, और इस पुल के हरी उत्तराखंड की जो पुल है इसके नीचे गंगा नदी जो बहती है बहुत तेज बहाव है। इस गंगा नदी का पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए जो गंगा नदी का पुल हमारे आ गया। इसकी पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी जी की नदी में पानी बहुत ठंडा होता है और स्पीड भी पानी की बहुत ज़्यादा होती है। इस बैन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से उतरने के बाद डायरेक्ट झूला पे जाएंगे। अभी देखिए हम लोग झूला पे बैठ गए। झूला का भी आनंद ऊपर से देखने में नीचे बहुत छोटा दिखाई देता है, तकरीबन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से ऊपर से देखने में। और आवाज़ जब इसका आता है बीच में जाकर स्पीड कम हो जाती है, जैसे लगता है कि यार तेरी क्या पहाड़ तो यही था। ऊपर से देखिए गंगा जी की नदी कितना छोटा छोटा दिख रहा है, और ये पहाड़ सब पहाड़ बहुत बड़ा है पर पेड़ पौधा की बहुत कम है इस पे, क्योंकि जिंदा पहाड़ आता है ना, जिंदा पहाड़ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। सन्नी वाला आपका नाम है तो सन्नी वाला यहाँ पर अभी माता के दर्शन के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। माता के दर्शन करने के बाद वो भी वीडियो हम लोग दिखाएंगे थोड़ा, फिलहाल अंदर हम लोग जा रहे हैं। गंगा जी की नदी में डुबकी लगा के दर्शन करते हुए, गंगा जी की नदी में नहाने के बाद पूरी थकावट दूर हो जाती है, इतना ताकत है गंगा जी के पानी में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर करना कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।